हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का कल्याणी फैमिली ब्लॉग एंड सिलाई चैनल पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आई हूँ अपने गांव, और गांव में यहाँ भी मैं किचन में हूँ। यहाँ पर मेरे सासू माँ और ससुर जी रहते हैं, और यहाँ पर मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। हम लोग को अचानक आना पड़ गया था गाँव, कल रात में आए हैं और अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता बन गया है। बच्चे लोग खा भी लिए हैं, मैं नहीं खाई हूँ। और अभी नहाने के बाद खाऊंगी मैं। अभी खाना और नाश्ता बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी। तो नाश्ता बन गया है, बच्चे खा भी लिए हैं और अभी मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। तो इधर तरफ कढ़ाई बिठा दिया है, यहाँ पर गैस में ही बना रही हूँ मैं। सासू माँ तो लकड़ी में बनाती हैं, तो इसलिए काला दिख रहा है ये इसका नीचे। और इस वाले पर मैं चावल कढ़ाई हूँ जिसमें चावल बन रहा है। और ये कुकर है, छोटा वाला कुकर, तो इसमें मैं दाल बना ली हूँ। और ये देखिए, धनिया और टमाटर का चटनी बनेगा। हरा हरा धनिया, ये अपने खेत का ताज़ा धनिया है। और आलू शिमला मिर्ची का सब्जी बनेगा। तो मैं अभी बना रही हूँ खाना, और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और दिखाऊंगी अपना खेत और बाड़ी। बहुत बड़ा हम लोग का बाड़ी है, बगान है, तो सब मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये देखिए हमारा घर, देखिए इधर तरफ एक कमरा है और इधर तरफ है, और इधर तरफ मेरी सासू माँ बैठी हुई है। माँ हाय बोलिए। ये मेरी सासू माँ है, और इधर एक कमरा है हम लोग का, और इधर तरफ बाबू अपने दादाजी के साथ काम पर लगा हुआ है। और ये हमारी गाय है छोटी सी, और इधर हम लोग का, इधर गाय रखते हैं हम लोग। और उधर कुआं है, आगे साइड बारी है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। कढ़ाई गरम हो गया है, और मैं इसमें जीरा और प्याज का फोरन डाल के, और उसके भूनने के बाद शिमला मिर्ची को थोड़ा सा भून ली हूँ, और इसमें आलू डाल रही हूँ। ये घर का आलू है, छोटा छोटा है, तो मैं इसे छिलका सहित ही सब्जी बना रही हूँ। और मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, बस जीरा और काली मिर्च और लहसुन मिर्ची और थोड़ा सा धनिया डाल करके। तो मेरे ससुर जी को ज़्यादा मसालेदार पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा ही सा मसाला पीस रही हूँ। और सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाले का सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो गांव में इसी तरह से बनता है। यहाँ कभी लाइन रहता है, कभी नहीं रहता है, तो सासू माँ सिलबट्टे पर ही पीसती हैं, और मैं भी सिलबट्टे पर ही पीस करके बना रही हूँ। और बहुत स्वादिष्ट लगता है ऐसा सब्जी, कम मसाले लगते हैं ये शिमला मिर्च के सब्जी में। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और मैं चटनी बना रही हूँ वो भी सिलबट्टे पर ही पीस करके। तो इसमें मैं लहसुन मिर्ची और धनिया और टमाटर को पका करके और चटनी बना रही हूँ, और बहुत स्वादिष्ट लगता है इसका चटनी। चटनी बन गया है और अभी खाना भी बन गया है, तो मैं नहा करके और रेडी हो गई हूँ, और नाश्ता करने के बाद चाय पी रही हूँ। तो हम लोग गांव क्यों आए हुए हैं, उसका कारण ये है, एक देवर जी का शादी का पार्टी, क्योंकि हम लोग शादी में नहीं आ पाए थे तो पार्टी में आए हैं। शादी के दो दिन बाद पार्टी था, तो उसी के लिए हम लोग कल आए हैं शाम में, और बच्चों का एग्जाम था तो शादी में नहीं आ पाए थे। ये हैं हमारी चाची सास, और ये इनकी लड़की है, और इन्हीं के लड़के की शादी में हम लोग आए हुए हैं जो मेरे देवर लगते हैं। और इधर साइड मेरे ननंद लोग हैं, तो सब लोग अभी जुटे हैं, शादी वाला घर है तो। और सब ससुराल कोई कोई चल गए हैं शादी होके, और फिर पढ़ने के चक्कर में इधर उधर रहते हैं, तो सबसे अभी भेंट हो गया मेरा। बहुत अच्छा लगा सबसे मिल करके, तो यही कारण था हम लोग का गांव आने का। तो अब आइए हम लोग का बारी दिखाते हैं आप लोगों को। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग का बारी देख करके, और क्या क्या लगाए हैं वो सब मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए, घर के जस्ट सामने ही बारी है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा चीकू का पेड़ लगा हुआ है, और इसमें इस तरह के फल लगे हुए हैं, और ये फल बहुत मीठा लगता है खाने में। तो इसे जो बड़ा बड़ा था उसे मैं तोड़ रही हूँ, और सृष्टि को भी तोड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। और सासू माँ बोली कि सारे को तोड़ लो नीचे नीचे का जितना हो सके, क्योंकि कोई खाने वाला यहाँ तो है नहीं, ससुर जी केवल हैं, तो तोड़ के रखे हुए हैं और डेली खाते भी हैं।
तो सृष्टि को बहुत अच्छा लग रहा था तोड़ने, ये देखिए तोड़ रही है, और बहुत खुश लग रहा था देख करके। बहुत सारा फल लगा हुआ है, कुछ छोटा छोटा है और जो बड़ा बड़ा है उसे ढूंढ ढूंढ करके हम और सृष्टि तोड़ रहे हैं। बरसात के मौसम वाला अच्छा नहीं लगता है उतना खाने में जितना अभी गए मौसम का लगता है खाने के लिए। तो ये हर समय फलते ही रहता है, कुछ बड़ा होता है कुछ नया फल लगता है, और ये लगभग सालों भर जैसा फलते ही रहता है इस पेड़ में। तो हम लोग को जब भी आते हैं हम लोग तोड़ते हैं, और ससुर जी भी आते हैं तो तोड़ करके ला देते हैं। और इधर साइड देखिए हम लोग का फूल लगा हुआ है, अमरूद का पेड़ है, और यहाँ पर सफ़ेद वाला फूल का लगा हुआ है, ये वाला सफ़ेद जिसे पूजा करते हैं हम लोग वाला है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। और इधर साइड देखिए एक शीशम का पेड़ है, और ये एक लीची का पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा हो गया है लीची, और इसमें अभी मंजर भी आ रहे हैं, मंजर मतलब फूल लग रहे हैं लीची में। इधर तरफ एक आम का और एक जामुन का पेड़ है, और इसमें आम में अभी फूल लगे हुए हैं, अभी फल लगने का टाइम आ गया है, गर्मी का सीजन हो गया है तो। और इधर तरफ हम लोग का नींबू का पेड़ है, तो नींबू में भी अभी फूल लग रहे हैं, अभी फले नहीं हैं, गर्मी में फलते हैं और बरसात समय पकता है। तो ये देखिए ये तीन पेड़ है, एक दो और एक ये तीन, और इसमें अभी फूल लग रहे हैं, अभी फले हुए नहीं हैं। और इधर तरफ हम लोग का केला का पेड़ है, तो केला का पेड़ अभी काफ़ी छोटा छोटा है, और छाया पेड़ का छाया हो जाता है ना इसलिए बड़ा नहीं हो रहा है, छाया में नहीं होता है उतना अच्छा लगता है। तो इधर हम लोग का कुआँ है, और कुआँ से इस वाले हम लोग कैसे पानी निकालते हैं इस कुएँ से वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग झारखंड से हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसको लाइट खुटा बोलते हैं, और अगर आप झारखंड से बाहर से हैं तो आप लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग इसको लाइट खुटा बोलते हैं, ऐसा पानी निकालते हैं, उसको खुटा लगा हुआ है और उसमें एक बांस लंबा सा लगा हुआ है, तो इसमें रस्सी बांध करके इस तरीके से पानी निकालते हैं। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और क्या बोलते हैं, और आप लोग देखे थे कि नहीं कभी इस तरह से पानी निकालने, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब इस तरह से पहली बार पानी भरेंगे ना तो बहुत डर लगता है, लेकिन अब तो आदत हम लोग का है भर के, तो डर नहीं लगता है, और कुआं के ऊपर इस तरह से चढ़ करके पानी भरा जाता है। और आइए आप लोगों को इधर आगे तरफ दिखाते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा अमरूद का पेड़ है, लेकिन एक भी अमरूद फला हुआ अभी नहीं है, क्योंकि बरसात में और ठंडा के सीजन में फलता है, और अभी सब फल ख़त्म हो चुका है। और बड़ा सा पेड़ है तो इसमें अभी पतझड़ हो गया है, अभी पत्ता झड़ने के बाद एक बार फिर से इसमें फल लगेगा। और इधर साइड खेती किए हुए हैं, छोटा छोटा है मटर और ये कुछ कुछ साग वगैरह, और इधर तरफ आलू लगाए हुए हैं मेरे ससुर जी। और इधर साइड एक काजू का पेड़ है, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसमें अभी फूल आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से होते हैं काजू के फूल, और भी फल तो नहीं लगे हैं, नहीं तो मैं फल भी दिखाती। और ये देखिए इधर एक लीची का बड़ा सा और एक पेड़ है, लीची के बहुत सारा पेड़ है हम लोग के बारी में। और उधर एक बेर का पेड़ था लेकिन अब वो कट चुका है, और बहुत मीठा लगता था वहाँ का बेर। और इस तरफ फिर देखिए बांस का बहुत सारा पेड़ है, लंबा लंबा सा बांस है, ये देखिए इधर बांस का ही बगान है, उधर पीछे तरफ पूरा बांस का बगान लगाया हुआ है। और इधर अभी देखिए केला में फल लग रहा है, और छोटा छोटा सा, छोटा ही पौधा है तो छोटा छोटा सा ही फल लगा है, और बहुत सारा है केला का पौधा, और अभी एक में फल लगा हुआ था। और ये करी पत्ता है जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं। और इधर तरफ अड़हुल का फूल लगा हुआ है, और मेहंदी का पेड़ है। तो दोस्तों हम लोग बारी घूम लिए हैं, और अभी हम लोग खाना खाने आ गए हैं घर। और ये देखिए देसी चावल बना हुआ है आज, और अरहर की दाल है, और धनिया चटनी, शिमला आलू की सब्जी, हम लोग सब कोई खा पी करके तैयार हो गए हैं, और अब निकलना था सिमडेगा के लिए, तो हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए हम लोग का गाय का बच्चा है, ये छोटा छोटा सा है, छोटा गाय है तो छोटा ही बच्चा है। और यहाँ हम लोग सब लोग विदा हुए, सासू माँ से विदा ले करके पैर छू के विदा लिए, और हम लोग निकल गए हैं। और हम लोग का गांव का वीडियो तो नहीं दिखा पाए, तो घर से निकलने के बाद आने समय का ये व्यू है, तो बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, और दोनों साइड घर है रोड के दोनों साइड। और ये देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं बुदाधार नदी, और यहाँ पर बहुत लंबा पुल है, और ये पहला नंबर पर था ये झारखंड का बहुत लंबा पुल में से,
और अभी तो बहुत सारा पुल बन गया है लंबा लंबा। तो अभी ये देखिए यहाँ पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पिकनिक मनता है जनवरी में, जनवरी फरवरी दिसंबर में तो इतना पिकनिक के लिए लोग आते हैं कि कहिए मत, हर रोज आते हैं। और बहुत चौड़ा नदी है यहाँ, और बरसात के दिन में पूरा काफ़ी पानी भरा हुआ रहता है, ऊपर पुल तक पहुँच जाता है। और ये झारखंड का फेमस नदी है और फेमस पुल भी है, बहुत लंबा पुल है। तो दोस्तों देख लिए कितना लंबा पुल था ये, और यहाँ ये एक पिकनिक स्पॉट है और यहाँ बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। और आप मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।